ओटी पर रखे हैं? हाँ ओटी पर रखे हैं। बाद में पक लूंगी। चले पास में बैठ लो। मन लगा हूँ आ रहा लाली। हाँ, गाल गुला खा के। हेलो जी, सत श्री अकाल जी। मैं अमनदीप कौर, पंजाबी कुकिंग एंड पंजाबी कल्चर भी थोड़ा स्वागत करती हूँ। तो आप लिया पाथी हाँ साग बनाने वास्ते, है ना। तो हूँ जावे लकड़ियाँ लेन, फिर उस तो बाद चूल्हे देवे पोचा। लिया भोग भोग शेर उचाया लिख। हाँ जी, देसी घी के नाल गा है ओ वाला। हाँ किन्ना का मिलिया तुम? बापू जी दे मिलिया ना। समझदार कोई इशारा काफी है, मैं जो समझ गया। वो तो मैं हेलो रख चल दिखा। ਕਟੋਰੀਆ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆ ਸਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਆ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਵਾੜ ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੁੱਲੇ ਸੇ ਲੱਕੜੀ ਹੈ ਕਵਾੜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਢ ਤੇ ਆ ਦੇਖ ਸਾਡੀ ਪੀਂਗ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੀ ਵੱਟੀ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਟੀ ਪਈ ਹੈ ਲੋ ਜੀ ਲੱਕੜੀਆਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਸੀ ਹੁਣ ਦਉਂਗੀਆਂ ਚੁੱਲੇ ਨੇ ਪੋਚਾ ਸਾਗ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰੱਖ ਦਾਂ नजारे लगे पे ने अज तो नहीं निकल रही चुल्ही चुल्ही सब बंद चूहे तो कैद कर दिया हमें हम चुल्हे के बिच बिचे घूमी जाएंगे कल साग खड़ी जाएंगे साडा साडा जो साग ही रहेगा वाह साग एक दिन के तो नजारे लगे पे हैं हाँ। चूहिया का बन जाने उठे खिल्ला पकौड़े उधर के नजर बुट नीचे आ गया बाजार के उपर रेह नहीं है कोठे पर चूल्हे को रख दी अंग दे चूल्हे के लागे नहीं लगा नजर बुट अरे इधर भी तो शो आ गई यार बैग भी चीर हो जाना उनका बस बात करेंगे इन्हें अग सुल जूगी लो जी चुल्हे में दे हो गया अपना पोचा लाइट भी सवेर की चल रही है भगवंत मान लाइट बहुत दे रहा
लो जी आप ले आए दात ते नाले थैला डब्बी ते नाले झाड़ू ला दे चल हनी पहले झाड़ू लाए दे मैं फिर बाद में ला दे बाद में हां बाद में तो टांग लिया मैं कह रहा था ना लिया पर आके ना ज्यादा मुझे सिंपल हो जाना मिट्टी जी कुछ हो जुगी है यार मैं हेलीकॉप्टर की वीडियो बना रहा हूँ यार कितने गया धूप नहीं है मैं तो ठंडी ठंडा जा लग रहा अग इधर अपने पतीले पानी पा लिया अग बाल के चूल्हे पतीला रख दांगे तीन में चीर दी साग हूं तो चूल्हे की भी छां आ गई है चंगी तरह ਮੈਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਗ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਣਾ ਤੂੰ ਆ ਮੰਮੀ ਦੇਖੀ ਪਰ ਹੁਣ ਟੀਰ ਕੇ ਘੁੰਮਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਸਾਗ ਤਾਂ ਬਤੂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਾਲ ਦੀ ਹੈ ਬਣੇ ਤਾਂ लो जी पानी रिझन लग गया हूं आप साग जो पतीले पा देंगे अपने चीर चीर रखा हुआ एक तीन गर्मी उपरों साग का विह तो फिर भी काम कर देखो उधर साग के विह कि खुश हो साग खाना मुझे ने साग उधम तो लाभ आ रही होनी है
साग अपना सारा चीर हो गया ते हुण आपां सारे नूं पतीले च पा दांगे ते विच फिर पा दांगे मूंग। साग अपने पाते पतीले च ते हुण आपां ढक दांगे इक अद्धा गोहा होर ला लेंगे। लो जी साग अपने पतीले च पाते हैं ते हुण लेके आने पाए दे च पाने लई नून मिर्च ते बाकी अदरक लसन प्याज हरी मिर्चा उन्होंने अपने चोपर दे विच नूं चोप कर लेंगे ते फिर साग दे विच पा देंगे। हुण बन जूगा बस नूण लैवां नूण पा दे गर्मियों का साग है गर्मियों का ऊपर तो इन्नी गर्मी लग रही है पर जीव का स्वाद भी देखना जरा गर्मी साग का पंगा छेड़े और ला संकार रहा लाली था डाल तुरा नु हवा मनु है उरे डाल हवा मनु इन्नी सोहनी हवा देख अंदर भी बैठे रहा अपना बाहर की हवा बहुत सोहनी है बस बस डाले 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 कोई ना बाहर खेत लो जी पल्ला सन भी ओहो आधा तो रह गया आधा दे मिर्चा पा दे ग्राइंड कर लो। अच्छा बाद में पानी पाऊगा जी अपने मिर्च भी ग्राइंड कर ली ते लहसुन ते प्याज है ना ये भी अपने चोपर च चोप कर लिया
लो जी हुण पा दिंदे पन्नू साग तो कच्चा कच्चा सी बस हूं बन जाने अद्धा घंटा हो लो जी पानी की तुसकी रख दी अपने उपर फिर जो गर्म हो जूगी ना फिर आप पा देंगे पानी साग दे विच ते बाकी हुण आप पीस के लैणे अदरक भुल गए अद्धा ही भुल गई पहला ग्रैंड करना ग्रैंड बन गया ठीक है मुलायम खुशबू आ रही है लपटा पूरी हजे बाल भी अद्धर चका अंदर बिठाया कर दिया कर रहा हाई मम्मा रोटी दे दो हाई मम्मा रोटी दे भुख लगी मैं हूं दस मिनट होर रुक जा लो जी साग च पालन पान लगे हूं आलन पा दी बस बस ते फिर उस तो बाद च लावांगे तड़का लो जी साग च अपना आलन पा हो गया गुरुद्वारा साहब च रह साहब का पाठ हो रहे साग भी भांफा छड रहे है अग हजे अपने घट करिए मतलब कि हजे तो सेक जाए वैसे जो रोटी बना लगा है ना फिर अग बाल लेंगे लिया रहे लो जी इधर तैयार खड़े माखनी लियाओ गर्मी गर्मी अज तक साग ने गर्मी भुन के रख दे सारे दोपहरे के मम्मी बस फिर एक चमचा ही पाना है साग का ता फिर एक चमचा ही होगी माखनी का घटा मानू पै जाना फिर ठीक नी मम्मी लो जी साग अपना सिज लिया साग दरते अपनी निची हूं लावांगे तड़का लो जी अपने टमाटर कद्दूकस कर लिया तो यह हैगा जी अपना लसन तो प्याज इनू अपने चोपर चू चोप कर लिया सरों के तेल का लावांगे अपना तड़का साढ़े घर ना तड़का जो बिना साग ने बिना तड़के नहीं खाते है पहले जो साग बिना तड़के तुरत का बने बिना तड़के खाते होंगे सी पर पापा जी ने जो साग तड़के तो बिना खाते ही नहीं है सानू भी हूँ यही आदत पै गई लो जी हूँ कड़ाही च पा देंगे तेल तेल हो गया अपना गर्म ते आपां इहदे विच पा देंगे हुण जीरा लो जिहड़े आपां ने इह लसन ते अपना प्याज रखिया होइआ सीगा हुण चोप करके हुण इह पा देंगे ते इहनूं भुन लवांगे कर लवांगे मिल के आवांगे ना बंबू काट नहीं ले जाना अपना भुन हो गया ते अपने दो टमाटर कट कट करे हुए
ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੀਲੀ ਮਿਰਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਪਤਾ ਸਾਗ ਤੜਕਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਲਦੀ ਬੰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹਲਦੀ ਪਾ ਕੇ ਸਾਗ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੜਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੜਕੇ 'ਚ ਹਲਦੀ ਪਾਈ ਹੈ ਇਹ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜੀ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਤੜਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਗ ਕਸੂਰੀ ਮਿਰਚੀ ਪਾ ਦੇ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਸੂਰੀ ਮਿਰਚ ਪਾ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੇਕ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮਿਰਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਚ ਇੱਕਦਮ ਸਹੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਘੱਟ ਸੀਗਾ ਲਓ ਜੀ ਮਸਾਲਾ ਆਪਣਾ ਭੁੰਨ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਸਾਗ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਤਵਾ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਸਾਗ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬਣੇ ਸਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਵੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਥੋੜੇ ਹੋਏ ਮਾਲ ਲਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਇਆ ਬਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਗ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਗ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਰਾ ਧੁੱਪ ਨਹਿਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉੱਧਰ ਸਾਸਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲਓ ਜੀ ਪੱਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਰੋਟੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਖਾਤੇ ਤਾਂ ਮੱਕੀ ਕਣਕ ਕੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਲਓ ਜੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਐਨ ਫੁੱਲ ਕੇ ਆ ਗਈ ਤੜਕ ਲੈ ਦੇ ਸਾਗ ਗਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲਓ ਜੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਆਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਮੱਖਣੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੱਖਣੀ ਮੱਖਣੀ ਪਾ ਦਾ ਹਾਂ ਮੱਖਣੀ ਪਾ ਦੇ ਕੀ ਦਾ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪੀਵਾਂਗਾ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ ਕਰਦੀ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਚ ਵੀ ਰੱਖ ਦਾਂ ਮਿਰਚ ਅਚਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਨਾ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਸ ਅਭੀ ਮਿਰਚ ਚਲਾ ਲੱਸੀ ਬੜੇ ਗਲਾਸ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੜੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਐਂ ਕਾਲ ਕਰ ਹਾਂ ਰੜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰੜੜ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੜ ਗਈ ਲੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਾਗ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਹੋਰ ਆ ਜੂ ਰੜ ਕੇ ਲੋ ਇਹ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਅਚਾਰ ਹੈ ਲੱਸੀ ਥੋੜੀ ਲੋ ਜੀ ਖਾਓ ਸਾਗ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀਆਂ ਰੜ ਰੜ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ
बस पर नाल दी नाल मम्मी पकाई जाएंगे तो सारे जने खाई जाएंगे फिर बाद में मैं मम्मी खा लूंगी। ढिड तो फुलूंगे कोई नहीं हम चूल्हे ही खिलाते करूंगे। चूल्हे पर रोटी बनानी पता कितनी औखी है ठीक नहीं मम्मी कद की हमें धुआं धुआं हो रही सवेर की खानी सौखी है रड़ी भी दई तो है पहला देती पहला रड़ी भी मैं तो सारी रड़ की तारी लो जी रोटी तो बना ली मम्मी ने भी हाथ धो ले बस खावे असं अंदर जाके रोटी हूँ गर्मी च मर गया तो असं सारे दिन साग के सुद चलो सारे ने रोटी तो रज के खा ली है ना ऊधम ने भी पापा जी ने भी सरदार जी ने भी सारे ने रज रज रोटी खा ली अज मक्की की रोटी सरों के साग न बस मैं मम्मी रह गई हाँ तो भैया की रोटी बनाती उन्होंने आवाज मार के पा देंगे है ना। चलो जी फ्रेंड्स यदा सी अपनी अज्ज की वीडियो सो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ थोड़ा मेरी अज्ज की वीडियो पसंद आई होगी जे थोड़ा मेरी अज्ज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज मैं लाइक से कमेंट करके जरूर दस्यो जी तो जो तुम मेरे चैनल पर नवे तो प्लीज चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लियो। चलो जी अपन नेक्स्ट वीडियो लेके फिर मिलते हैं तद तक सारे बाय बाय गुड नाइट जी।